ये है ओजा का 12 इंची में सबसे कम ऑडियंस का स्पीकर, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये स्पीकर हमको ओजा की तरफ से देखने को मिल जाता है, और ये ओजा का भाई जैसा कि 12 इंची में सबसे कम ऑडियंस का यही स्पीकर हमको देखने को मिलता है, जो 12 इंची में पहले नंबर पे आता है। जो कम ऑडियंस के स्पीकर है भाई ओजा में, सबसे कम ऑडियंस का यही स्पीकर हमको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ओजा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, उसके बाद प्रोफेशनल स्पीकर। इस स्पीकर को ज़्यादातर भाई जो रामायण या जागरण जैसे कि भाई लाइव प्रोग्राम चलाते हैं, उसके लिए ये स्पीकर काफ़ी बेस्ट होता है। और ये स्पीकर संभाल के ना चला जाए भाई, काफ़ी ज़्यादा ये स्पीकर जलता है। जैसे कि भाई बहुत ही ध्यान रख के इस स्पीकर को चलाया जाता है, उसके बाद ये स्पीकर चलता है। नहीं तो भाई आप गलत तरीके से इस स्पीकर को चलाओगे, डायरेक्ट चलाओगे एम्पलीफायर से, तो ये स्पीकर 100% जलेगा। जैसा कि देख सकते हैं ये स्पीकर जला है, जैसा कि हम भी काफ़ी अच्छे से बजा रहे थे भाई, हमको उतना जैसे कि इस स्पीकर को पहली बार यूज कर रहे थे, तो ये स्पीकर जल गया। तो हमने दोबारा से इसमें जैसे कि कॉइल चेंज किया है, जैसा कि कॉइल देख सकते हैं हमने दोबारा से इसमें रिपेयर करके लगाया है। तो इस स्पीकर को बताएंगे भाई किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगा। जैसे कि इस स्पीकर को किस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे, जो ये स्पीकर हमारा जलेगा नहीं, और जब कोई भी स्पीकर है आप, अगर आपका वो स्पीकर जल रहा है तो हम उसका कनेक्शन बताएंगे। जैसे कि कल के वीडियो में हम बता देंगे उस स्पीकर का कनेक्शन आप कैसे करेंगे कि वो स्पीकर नहीं जलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भाई ओजा का ये स्पीकर सबसे ज़्यादा भाई प्रोग्राम पे ही यूज होता है, डीजे पे भाई भूल के भी स्पीकर को ना चलाए। जैसे कि इस स्पीकर से भी मिड और ट्रेबल जैसे कि आवाज़ आप ले सकते हैं, तो आवाज़ के मामले में काफ़ी अच्छा होता है ये ओजा का स्पीकर। और बात कर लेते हैं इस स्पीकर के एम्प्रोस प्राइस की, जैसे कि ये स्पीकर इस समय हमारे इंडिया मार्केट में भाई 1800 से 1900 रुपये में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ओजा का 150 वाट स्पीकर 12 इंची में भाई 1800 से 1900 रुपये में ये स्पीकर आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई वॉइस कॉइल की बात की जाए तो जैसे कि इस स्पीकर में वॉइस कॉइल हमको 1.5 इंची का वॉइस कॉइल देखने को मिल जाता है, जैसे कि भाई प्रोग्राम पे चलाने के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं भाई हमने भाई दोबारा से रिपेयर किया है, उसके बाद देखते हैं इस स्पीकर का रिस्पॉन्स कहता आता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कॉइल भाई काफ़ी बचा के डालना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे भाई दूसरा ही भी स्पीकर हमारे, जैसे कि इस तरीके से गर्म करते हैं, उसके बाद भाई इसको कॉइल निकालेंगे फिर से दोबारा रिपेयर करके लगाएंगे। जैसे कि भाई काफ़ी ध्यान में रख के चलाना होता है। तो ओजा का ये स्पीकर अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं भाई, ये स्पीकर आपसे चल रहा है जैसा कि अच्छे से कि नहीं भाई, ये स्पीकर आपको अपने मार्केट में कितने प्राइस रेंज में मिल जा रहा है, या भाई ये स्पीकर आप चला रहे हैं भाई कितनी बार जला है या नहीं जलता भाई, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि इस स्पीकर का सही कनेक्शन कैसे होता है। सही कनेक्शन हम इसका जैसे कि स्पीकर का पहली बार यूज करें भाई, जैसे कि डायरेक्टली एम्पलीफायर से लगाए थे तो जल गया था। तो कल के वीडियो में हम बताएंगे भाई इस स्पीकर को सही तरीके से कनेक्शन कैसे करना होता है, जो आवाज़ काफ़ी दूर तक जाए और ये हमारा स्पीकर भी जले ना। तो ओजा का ये 150 वाट का स्पीकर आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि हम डीजे से रिलेटेड इसी तरीके से वीडियो डालते रहते हैं। और भाई इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसा कि बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि हम अगला वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। और भाई जो इस स्पीकर का साउंड चेक है और जैसा कि सही कनेक्शन क्या होता है तो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं इस स्पीकर का सही कनेक्शन कैसे होता है। और अगर आपको आपके पास कोई भी स्पीकर है ज़्यादा जल रहा है, सही कनेक्शन हम कल बताएंगे, तो आप कल के वीडियो में देख लेना भाई। इस स्पीकर के बारे में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।